1947 में पेशावर में कयूम खान भी साथ था, से पासनामा वैसे पेश किया था, पेशाबस दिया था मुझे माते पर चुमा था। मेरे साथ वालिद बुजरगवार भी था, नवाब मोहम्मद अली खान भी था, वो मलक था, लेकिन जब उससे मिला से पासनामा पेश किया तो अखबार में नवाब मोहम्मद अली खान, कायद आजम के फरमान पर किसी ने अमल नहीं किया। उसका फरमान ये था काम काम और काम, आज का कल कल को मत छोड़ो। बचिया सबसे पहले पाकिस्तान को सलाम, फिर आपको सलाम, आपका मैं शुक्रिया अदा करता हूँ, तो शुक्रिया अद कहूँ पाकिस्तान आर्मी पर बरी कि तुम पख्तन पाकिस्तान आर्मी से तो डेर इष्ट दे सन पेंट सर लड़ाए के फील्ड मार्शल अयूब खान वो कमांडर इन चीफ उस वक़्त उनको सीएन अगता सीएनसी मिला, जनरल मुसा खान वो, असगर खान वो, नूर खान साहब वो, फील्ड मार्शल अयूब खान के दौर में हमने इंडिया को शिकस्त दिया था सन 65 लड़ाई में। उस दिन से आज तक मेरा टांग भी जख्म हुआ था, आगे से गोली लग गया था, ये नहीं कि पीछे से गोली लग गया था। मुझे उस दिन से मीडियम नूर जहान से भी मेरा मोहब्बत है, अभी उसको अल्लाह जन्नत और फिरदौस नसीब करे। 65 में उन्होंने गाजियों कदम बढ़ाओ गाजियों महाजों पर गाने गाने गाते थे, पाकिस्तान आर्मी जोश में जाता था। आज का दौर कुछ और है। आज हमने सुना था कि ऑफर किया गया था कि नूर जहान हमें दे दे, हमारे कश्मीर दे देंगे, ये बात सच है? ये बातें तो थी, पर अपनी गंडी गंडी थी, हमारे मोहम्मद रफीक ने भी बड़ी गाने गाए थे, उनको उन्होंने अपनाया है इंडिया वालों ने, उधर ही उसका कपन दपन भी हुआ है। अच्छा। वो भी पेशावर का रहने वाला था। अच्छा। वो आर्मी ना हो तो ये मुल्क नहीं है। अच्छा, आपने आप गाजी भी है, आपका टांग भी जख्मी है, लेकिन हम देख रहे हैं अभी भी आपका पेंशन जो है वो इंतहाई कम है। मेरा पेंशन भी कम है, मैं कायदे आजम का साथी हूँ, उसके साथ मैंने हाथ भी मिलाया है, उसका माजूरी उसका बीमारी मैंने अपनी आंखों से देखा था कि वो लड़ रहा था इस पाकिस्तान को जब बनाया। कायदे आजम ख्वाब उसने पूरा किया, लेकिन ना वो अलामा इकबाल का ख्वाब उसने पूरा किया, अलामा इकबाल साहब ने पाकिस्तान को नहीं देखा, उससे पहले वो पहुँच गया। ठीक है, मैं अभी गरीब भी हूँ, फकीर भी हूँ, मेरा जगह भी नहीं है, मेरा चार दीवाली भी नहीं है, आपको पता है मैंने अपने हलाल तनख्वाह से एक कमरा लिया है, वो 20 फुट कमरा है। 3,000 साल नबियों ने गुजारे है इस मुल्क में, इस दुनिया में। जब इजराइल आता था तो नबी को बोल रहा था कि मैं आपसे दुआ सलाम, मैं आपसे रूह कब्ज करता हूँ, बोलते अगर इतना कम जिंदगी होता था तो ये झोंपड़ी भी मैं नहीं बनाता था, मैं पाकिस्तान आवाम से अफसरों से जवानों से अदालतों से ये अपील करता हूँ कि आप लोगों ने सब ने जाना है रोज़े मशर अल्लाह को जवाब देने, कम कहो कम बोलो कम रब्ता मत करो लोगों के साथ, रब्बुल इज़्ज़त उस पर रहम करते हैं, उसको ज़्यादा ज़िंदगी देते हैं जो अपना दो पैसे दूसरे मजलूम के साथ मदद करे। आपने कायद आज़म के साथ हाथ मिलाया था, ये कब मिलाया था और कहाँ मिलाया? ये 1947 में पेशावर में कयूम खान भी साथ था, से पासनामा वैसे पेश किया था। आपको क्या बोला था उसने? मुझे शाबाश दिया था, मुझे माते पर चुमा था, मेरे साथ वालिद बुजरगवार भी था, नवाब मोहम्मद अली खान भी था, वो मलक था, लेकिन जब उससे मिला सिपासनामा पेश किया तो अखबार में नवाब मोहम्मद अली खान। आपकी उम्र 93-94 साल, कौन से ऐसी चीज़ है जो अभी आपको याद आते हैं कि बस ये होता ये नहीं होता? मुझे ये है कि कायदे आजम पर कायदे आजम के फरमान पर किसी ने अमल नहीं किया। उसका फरमान ये था काम काम और काम, आज का कल कल को मत छोड़ो। आजकल दफ्तर वाले लोगों को रगड़ा देते हैं, एक सेकंड का काम ये लोग 48 घंटे में नहीं निकालते हैं, तो ये मुल्क कैसा तरक्की करेगा? एक गाड़ी के बजाय 50-50 गाड़ी लोग फिराते हैं अपनी साथ सरकारी, उसमें पेट्रोल खर्च होते हैं। चाइना का सदर हमसे बात चाइना जुदा हो गया,
चाइना का सदर साइकिल पर जाते दफ्तर में, हमारे एक तलसे दौर के पीछे दस दस गाड़ी जाते हैं, तो ये मुल्क कैसा तरीके करेगा? खुदा व रसूल से डरे ये मुल्क, मैं सर इस सरबरा ने ममलिकत इस नहीं, इस निज़ाम को अल्लाह ठीक करेगा अगर अल्लाह से कोई डरे, अपनी तनख्वाह पर गुजारा करे, कम खाए, मजलूमों को दे, सस्ती करे रोटी। ये दौलत, ये मुल्क दौलत से मालामाल है, हीरे है, जवाहरात है, पेट्रोल है, निकाले, खुरबुर्द ना करें, कम खर्चा करें, सरकारी खजानों से भी कम खर्चा करें, फिर ये मुल्क बन जाएगा इंशाल्लाह। पैगाम मैं यही देता हूँ कि खुदा और रसूल के वास्ते आओ पाकिस्तानियों, पाकिस्तान फौज के पीछे बुरी बला बातें मत करो, ये हमारे बच्चे हैं। दूसरी है, सारे पाकिस्तान से मैं अपील करता हूँ कि खुर्द बुर्द मत करो, अल्लाह से डरो, रोज़े माशार एक जरी का हिसाब देना है। वो सलाम ऑल पाकिस्तान, खुदा हाफिज।